अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आपको मेरा किचन एंड व्लॉग में वेलकम हो गया। ये देखें जी, हम आलू के पराठे बना रहे हैं। इसके लिए मैं आलू बॉईल कर लिए हैं और अम्मी छील रही हैं इनको। मैं जो है वो रिकॉर्डिंग बन कर रही हूँ, कैमरामैन बनी हुई हूँ। ये जब छीले जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा। ये देखें, ये पीस रही हैं सिलबट्टे के साथ, दोड़ी डंडा, दोड़ी डंडा, ये दोड़ी डंडे के साथ जो है आलू, इनको हमने कूट लिया है। आलू हमसे बदतमीजी नहीं कर रहे थे, फिर भी हमने इनको कूट लिया। इनको कूट कर हमें बहुत खुशी हो रही है, पेट में जाएगी खुशी तो खुद ही होनी है। और ये एंगर मैनेजमेंट का अच्छा तरीका भी है, जस्ट जॉकिंग। कभी कभी ऐसे हल्के फुल्के मजाक भी कर लेने चाहिए। ये देखिए, इसमें हमने जो है हरी मिर्च भी कूटी थी। ये देखिए हरा हरा रंग आपको नजर आ रहा है, और भी साइडों पे नीचे है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है बाथू, पालक और मेथी, इसमें ये डाल दी, एक फ्रिज में रखी थी मैंने डाल के। और हरी मिर्च हमने पहले कूट ली थी, वो नीचे आ गई है आलू के नीचे वाली साइड पे, इसलिए आपको नजर नहीं आ रही। जितनी मर्जी बचा लो अपनी। सूखा धनिया, जीरा, ये था सूखा धनिया। अब डालेंगे हम लाल मिर्च। ये हो गया नमक। अंडा भी इसमें एक तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं, जितने मर्जी तोड़ सकते हैं, एक दो अंडा भी ले अगर है तो। पड़ा नहीं, अंडा नहीं है, हम गरीब लोग कहाँ अंडा आया। एक गरीब मुर्गी रख लो फिर तो अंडे आएंगे। गरीब मुर्गी रखने की भी जगह होगी, अपना घर होगा, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। गरीब लोग तो नहीं अंडे दे सकते, कि गरीब मुर्गी तो अंडे दे सकती है। नहीं, मुर्गी नहीं रखने में, बकरी रखूंगी। बकरी रखा हाँ जी। बंदा मम्मी बकरी ले लो, रखेगी फिर। रखेगी फिर, हाथ सर्दियों में बढ़ने, गर्मियाँ सर्दियों में बढ़ने, तकलीफ है। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਘਰ ਬਣ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਾ ਫਸਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰੀ ਆਈਏ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਰਾਮਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਛਿੰਝ ਬਣ ਗਈ। ਨਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੂਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੱਠੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਂਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਦੇ, ਆਹ ਪਰਦੇ ਸਹਿ ਪਰਦੇ ਲਾ। ਬਣੇ ਰਹੀਏਗਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏਗਾ, ਹੱਸਤੇ ਰਹੀਏਗਾ ਔਰ ਹਮੇਂ ਵੀ ਹਸਾਤੇ ਰਹੀਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਹਸਾਉਂਗੀ ਔਰ ਆਪ ਹੱਸਤੇ ਰਹੀਏਗਾ। आपने मुझे कैसे हंसाना है, वीडियो तो मैं बना रही हूँ, मैं भी आपको हंसा रही हूँ। कितने हैं हम भी आने, यही कारोबार कितने हैं। हाँ, ये बकरियाँ कारोबार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कारोबार है, जानवर बकरी लो तो बेचो। ने लिया है आटे, मैं काफी लेने से बकरा ही तेमा सेल कर दिए। हाँ, बकरा ही तेमा हो जाएगी। हाँ हाँ, तो क्या सेल हो जाती है, उसमें कौन सा नहीं होती नहीं है, नहीं होनी बकरा ही सेल, साल ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਕਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਲੋ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈ ਦੋ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਰਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇਗੇ ਸਾਲ ਕੇ, ਲੈ ਲੋ ਅੱਲਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇੰਨਾ ਉਡਾ ਸੇ ਨਾ,
ये देखें, ये फटेगा, दूसरा यहाँ से उठा उठा के हम रख रहे हैं। जानवर नहीं इधर रखा होता होंगे, जानवर की ही वो फ्लैट में रखी जाए या चलो शॉपिंग मॉल से रखी जाए। तुम्हें पता रखे नहीं, तुम्हें पता नहीं कितना ही जगह रखा। ये देखिए लल्ला दो पड़े, अम्मा ने कहा सारे छटे, अम्मा को भी कम ही नहीं। अम्मा क्या सी आपरे शॉप ना कर दी है, पता नहीं पता क्या रखा। तू जो है ना सबरा जो है उसको उसके पास रखवा लो धारे पे, ओ गड़ी चल रहा है जो यूट्यूबर है आज ये मतलब धारे पे रखवा लो। कोई इधर आ रहा है? हां इधर नहीं है, किथे है? लाहौर से आ गए। वो को मैं बेईमान निकले कल मेरे सारे खेल नहीं, बेईमान नहीं निकले वो चैरिटी का काम करते हैं, इतना काम करते हो। ओ गड़ी सबरा हुई हूं ऑयल लगाया इसने तब से। अरे शादी की थी? शादी है ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੁੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਦਾ। ਇਹ ਤੁਮ ਜ਼ੈਨ ਕੋ ਲੈ ਦਿਓ ਬੱਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੱਖਾ ਹੀ ਹੋ। पैसे तो आ ही जाया करेंगे ना। हाँ, फिर पैसे इंशाल्लाह मैं भेज दूंगी, है फिर हो सकता मेरा कम पैसे भेज दूंगी, फिर गां ले लेंगे। हां फिर हो सकता दे लेंगे। अरे की खैर। हां ठीक है, मैंने बड़ा शौक है चीजों का पकने दे एक साइड से। दरमियाना किस्म का ऊंट ना जो एक साल का हो, 3.5 लाख का मिलता है ऊंट। हाँ ऊंट नहीं होता, ऊंट टे होता है। वही ऊंट तभी मजी महंगी। हाँ जी मुफ्त ना ले जावा बंदा मज की बच्ची लै लो निकी। हाँ बछड़ी जिन्होंने कहते पता की बच्ची रख लेगा, हम बता रहे हैं तुमको। उसने अपना रखना हुआ तो फिर तुम्हारा भी रख लेगा। कपड़ा संभाले नहीं आता ये देखिए मैंने इसको एक साइड से पलटा, ऑयल लगाया। अब ये यहाँ से मैं सीख गई है, बस एक ही तरफ हम इसको ऑयल लगा रहे हैं। ये महंगा है जी, नहीं तो दो तरफ भी लगा सकते हैं। पराठा तो पराठा होता है, एक तरफ घी लगाया या दोनों तरफ लगाया? क्यों नहीं लगती? मेरे हाथ गिले होने में रोटी पका। ये पराठा फाइनली पक जाएगा, बहुत जल्द।
ये देखें साइड पर रोटी पक गई है, कलर देखें भुखी रह जिस तरह से पहला बना सिख रहा तवे चमची दे तो चम्मच उथे रखेंगे चम्मच ये अब्बा के पास रखा ही है हमारी लड़की हाथ से गील करना पड़ गया इसको। ये देखिए सिक गई है रोटी तो इससे बुलबुले भी उठ रहे हैं बबल आ रहे हैं हाथों में और जो है रंग भी बदल गया और ये देखिए ये यहाँ से भी कुछ सिक गई है इसलिए इसका कलर भी चेंज हो गया पक गई है रोटी पकने की यही निशानी होती है ये देखें जी इस लड़की को हमारे हाथ पैर से भी मसला हो रहा है खड़े पैर से होते हैं मुझे पता नहीं हाथ कैसे परे करते हैं दही के साथ हम खाएंगे ये तीसरा पराठा ये बनता रहे है गरीबों का ढाबा और गरीबों का नाश्ता गरीब लोगों का दही जब मैंने बोल दिया तो व्यूअर्स बुरा लग रहा है कह रही है अल्लाह माफ करे हल्के बबल्स हैं कैसा है नमक सिक गया यहाँ से इसका कलर भी चेंज हो गया नहीं सर ठीक काफी पक गई है पाला में देखे ना ब्राउन ब्राउन रंग नजर आ रहा है आपको बदला हुआ रंग ये ये देखें कैसा खूबसूरत रंग आया है ये पक गया है ये देखें जी ये पराठा पक गया अभी हम इसको उतार लेंगे उतार लें अम्मा पक गया है अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नए व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़।